न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग रास्ते पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं इफ्तारी पे, जो कोरमंगला एम्पायर होटल में होता है ना, हर साल होता है। तो लास्ट दो साल हम नहीं आए थे क्योंकि हमने मिस कर दिया था, तो इस बार हमने सोचा है कि चलो चलते हैं। एंड कोरोना भी था ना लास्ट दो साल, इसलिए हम नहीं आए। तो इस बार थोड़ा सा कम है और बहुत अच्छा सा डिलीशियस फूड मिलता है, तो सो लेट्स गो, देखते हैं इस बार क्या हाल है। चलो, सो दिस इज़ द कोरमंगला का रोड, बहुत ही हैपनिंग और नाइस। म्यूजिक हो रहा है क्योंकि उधर पब है, तो लाइव म्यूजिक वगैरह हो रहा है। एंड दिस इज एम्पायर, धुआं दिख रही है ना आपको उधर, तो वही है द फेमस फूड। ओह माय गॉड, अंदर जाना मतलब बहुत ही, आई नो ऐसा ही होता है, हम इससे पहले भी एक दो बार आए हैं। तो हियर इज आवर फूड, चलो ट्राई करते हैं। तो ये है प्रॉन्स, एंड उसके बाद इधर है मटन शीख कबाब एंड रशियन कटलेट। अरे ऐसे कोई खाता है? एक दे दीजिए ना। भैया आप तो क्या सर? एंड दिस इज कीमा पाओ, बेबी खिलाओ। गरम है क्या? ऐसा है, खा के अच्छा है ना? बेबी आपको कैसा लग रहा है? बेबी ये कीमा पाव पे पैसे वसूल है, टूरिस्ट पे पैसे वसूल है। बाकी सब सामान ऐसा वैसा था, बट ये वाला एकदम मतलब अच्छा गरम मिल रहा है, इस पे पूरे पैसे वसूल। और एक हमने लिया था प्रॉन्स, अच्छा था, लेकिन वो कटलेट जो था ना इतना अच्छा नहीं था, गरम नहीं था ना, गरम नहीं मिला। अभी हम खाएंगे रबड़ी, हो गया इनफ, रबड़ी खाएंगे और मुझे इधर से वो जूस लेना है, टू हॉट। भाई बहुत गर्मी हो रही थी, मतलब इतना हॉट हॉट खाना, ऊपर से तीखा भी है, तो इसलिए मैंने एक लाइम ले लिया, लाइम जूस, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर डाला है, थोड़ा ठंडा अंदर, ठंडा यार। चलो रबड़ी। कितना हुआ सर इसका? $300।
केसर बादाम चटनी, केसर बादाम, गुलाब जामुन है, केसर चटनी है। सो हम लोगों ने पैक करवा लिया है एंड पीछे म्यूजिक आप सुन सकते हो। दिस इज अ मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ कोरमांगला, है ना? यस। इधर मतलब दाएं बाएं हर जगह पे आपको पब्स, डिस्क और नाइट क्लब ये सब मिलेंगे एंड या इट्स सो हैपनिंग एंड सो कलरफुल। और स्वीट जो लेना था ना वो हमने पैक करवा लिया है। ये देखो बहुत सारा इन्होंने लिया है। क्या क्या लिया? ये दोनों रबड़ी है, एक मटका वाला दिया, एक नॉर्मल वाला, कि दो मटका वाला खत्म हो गया था। और ये इसमें क्या कहते हैं हमारे इसमें लैंगचा बोलते हैं, बड़ा वाला, बड़ा वाला। हाँ। और ये कुछ तो है अच्छा वाला जो बोल रहे थे वो लोग, नाम मुझे याद नहीं। तो ये हम घर जाके खाएंगे और हिम्मत नहीं है उधर मतलब रुकने की, और इधर इतना भीड़ भी है तो हम सोच रहे घर चलते हैं जाके आराम से खाते हैं। यस। सो अभी हम घर जा रहे हैं और घर जाके खा के सो जाएंगे। सो या दैट वाज अ छोटा सा व्लॉग अबाउट रमजान, क्योंकि रमजान के दिन पे थोड़ा सा सेलिब्रेट करना भी बनता है, तो हम लोगों ने छोटा सा आके खा के सबके साथ सेलिब्रेट किया एंड इट वाज नाइस। आपको कैसा लगा बीबी? बीबी वाला लोग देख के मैं हैरान हो गया, यू नो इट वाज नाइस। दो साल के बाद फिर से ऐसा रमजान इफ्तार जो होता है वो खाना वाना हुआ है, अच्छा लगा देख के। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू एंड या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।